हेलो दोस्तों, एसीएल बोनी अवलजन इस प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसीएल बोनी अवलजन होता क्या है, क्यों ये हो जाता है, कैसे इसका इलाज करना चाहिए। इस कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, हमारे घुटने का बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है एसीएल लिगामेंट। ये पैर का बैलेंस बनाने का काम करता है, रनिंग में, स्पोर्ट्स में हमारी मदद करता है। ये लिगामेंट अगर टूट जाए तो उसे ACL टीयर कहा जाता है। ये लिगामेंट ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ने का काम करता है और स्पोर्ट्स में हमारी जंपिंग में, रनिंग में, प्ले करने में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पैर में ट्विस्टिंग इंजरी होती है, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप करें, बाइक चला रहे हो, बाइक से स्किड कर जाए, तो लिगामेंट टीयर हो जाता है। ACL बोनी अवलजन का मतलब ये है दोस्तों कि जो लिगामेंट टूटा है वो बीच में से ना टूट के हड्डी के टुकड़े के साथ टिबिया बोन से उखड़ जाता है। फीमर से अवलजन बहुत कम होता है दोस्तों, नीचे की हड्डी टिबिया से ही अवलजन ज़्यादातर देखा जाता है। ज़्यादातर ACL बोनी अवलजन की जो चोट है वो छोटे बच्चों में मैंने देखी है, यानी कि 14-15 साल से लेके 25-30 साल की उम्र में ज़्यादा देखे जाते हैं। स्पेशली 14-20 साल की उम्र में ACL बोनी अवलजन ज़्यादा देखा जाता है। पेशेंट के घुटने में इमीडिएटली स्वेलिंग आ जाती है, तेज़ दर्द होता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है और उसको ऐसा लगता है कि वो पैर पे अगर वजन डालेगा तो पैर ट्विस्ट कर जाएगा। जब वो जाके MRI कराता है या सबसे पहले एक्सरे कराता है तो उसे एक टुकड़ा हड्डी का उठा हुआ दिखाई देता है, और जब वो MRI कराता है तो उस पर रिपोर्ट आती है ACL बोनी अवलजन सीन। अब ये जो रिपोर्ट है दोस्तों वो तीन तरह की आ सकती है, Type 1, Type 2 और Type 3। अगर टुकड़ा सिर्फ आगे से उठा हुआ है तो उसे Type 1 कहा जाता है, अगर वो थोड़ा सा डिस्प्लेस है तो 2 कहा जाता है, और वो टोटली उठा हुआ है तो Type 3 कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो इलाज है, अगर फर्स्ट और 2 है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए, जिसमें कि पैर पे हम नी ब्रेस लगा देते हैं और पेशेंट को 3 से 4 वीक्स तक नी ब्रेस लगा के रखा जाता है। उसके बाद जैसे जैसे फ्रेगमेंट जुड़ जाता है एक्सरसाइज स्टार्ट कराई जाती है, कई जगह प्लास्टर लगा दिया जाता है। मैं प्लास्टर के इलाज से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप प्लास्टर लगा देते हैं तो उसे घुटना टाइट होने का चांस रहता है। इसके अलावा चूर्ण चटनी करना, मालिश करना, मसाज कर लेना, वो इसमें घातक सिद्ध हो सकता है। तो आप इस तरह का कोई देसी इलाज ट्राई ना करें, नी ब्रेस लगा लें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, और उसके बाद 1 मंथ बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करा देनी चाहिए, जिसमें कि पेशेंट धीरे धीरे पैर को बेंड करता है और उसको कुछ ही दिनों में पैर में स्टेबिलिटी लौट आती है। वो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अगर Type 3 ACL बोनी अवलजन है और टुकड़ा एकदम ही ऊपर उठा हुआ है तो दोस्तों इसका फिक्सेशन करना ज़रूरी होता है। जहाँ ACL ग्राफ्ट टीयर अगर होता है, ACL का मिड शाफ्ट टीयर होता है, मिडिल से ACL टूटता है, तो हमें नया ACL लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ACL का बोनी अवलजन है तो दोस्तों शुरू के 7-8 दिन में अगर आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ACL को फिक्स कर सकते हैं। स्पेशली जो मेरे द्वारा जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है सूचर पुल थ्रू टेक्निक। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि इसमें बॉडी में कोई भी तरह का मेटल नहीं लगता, हम सूचर के माध्यम से ही ACL को फिक्स कर देते हैं और 1 से 2 महीने में आप एकदम फिट हो जाते हैं। ACL बोनी अवलजन दोस्तों बहुत ही रेयर इंजरी है और इसको सही समय पे पहचानना भी बहुत रेयर होता है। आप बहुत ही किस्मत वाले होते हैं अगर आपके 3-4 दिन में MRI हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपके ACL बोनी अवलजन है। अगर आपको पता चल जाता है तो आपको लेट नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है और ACL बोनी अवलजन को फिक्स कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपके 3-4 वीक निकल गए और फिर आपको पता चला कि आपके ACL बोनी अवलजन हुआ था, तो दोस्तों उस वक्त अपने पास ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आप तब अगर फ्रेगमेंट को फिक्स करेंगे, यानी कि ओरिजिनल ACL को बचाने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल ना हो और आपको दोबारा सर्जरी कराना पड़े। तो अगर 3-4 वीक से पुराना ACL बोनी अवलजन है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि उस वक्त नया ACL ग्राफ्ट लगा देना ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, ACL ग्राफ्ट लगा देने के बाद जो रिहेबिलिटेशन है वो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन आप पूरी तरह फिट हो जाते हो। तो ये मेरा संक्षिप्त में वीडियो था ACL बोनी अवलजन के बारे में। आपको भी क्या ACL बोनी अवलजन हुआ है? यदि हाँ तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे WhatsApp करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।